फ्रेंड्स, संतोष किचन में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं लहसुन का अचार। तो सर्दियों में क्या लहसुन का अचार, जिसकी सांस की दिक्कत होती है, उसको खाना अच्छे से नहीं पचता, उसके लिए लहसुन का अचार बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो लहसुन का अचार सर्दियों में खाया जाता है। तो आज बनाते हैं अदरक और लहसुन का अचार। तो मैंने ली है 50 ग्राम अदरक, आप देख सकते हो, और आधा किलो लहसुन और 50 ग्राम अदरक, ये छिला हुआ आधा किलो लहसुन है। तो शुरू करते हैं लहसुन और अदरक का अचार बनाना। तो इसके लिए चाहिए हमारे को मसाले। तो मैंने लिया है ये राई, ये काली वाली राई है, और ये लिए 15-20 काली मिर्ची, और ये है 4-5 काली लौंग, ये लिए दाना मेथी, ये जीरा, और ये धनिया साबुत, ये सौंफ। तो ले लेते हैं पैन। अदरक को देखिए फ्रेंड्स, मैंने साफ करके कपड़े से छील के कद्दूकस कर लिया अच्छे से। इसको मसाला को थोड़ा हल्का सा भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए इसलिए। तो इसको 3-4 मिनट के लिए भून लेते हैं। भूनने से क्या टेस्ट बहुत डबल हो जाता है अचार का, खासकर लहसुन के अचार में मसाला भून के डलता है। ये मैंने ये कलूंजी ली है, ये बाद में डालेंगे, अभी कलूंजी का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी कलूंजी हमारी। देखिए फ्रेंड्स, मसाले में चटकने की आवाज़ आ रही है। मसाला आप अचार के हिसाब से ले सकते हो। मैंने 1-1 चम्मच ली है अचार के हिसाब से ही मसाला चाहिए हमारे को। क्या ज़्यादा मसाला रह जाएगा तो अचार अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए आप अचार के हिसाब से डाल सकते हो। जैसे 1 किलो लहसुन हो तो आप 50 ग्राम के लगभग डाल सकते हो, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। देखिए मसाला अच्छा से भून गया है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। इसको करेंगे ठंडा और फिर दरदरा पेस्ट बनाएंगे मसाला का। इसको मैं ठंडा कर देती हूँ, तो मैंने इसमें खाली कर दिया। इसमें डालेंगे ऑयल। अचार के लिए चाहिए हमारे को सरसों का ऑयल। हम बनाएंगे अचार सरसों के ऑयल में, यानी मैंने नाप के तेल डाल रखा था। इसमें हमारे को तेल चाहिए 1/2 किलो से थोड़ा कम, 1/2 लीटर से थोड़ा कम तेल लेना है। जैसे 1 किलो लहसुन का अचार हो तो आप तेल 1/2 किलो ले सकते हो, इसी हिसाब से मैं 1/2 किलो से थोड़ा तेल कम लूँगी। अब ऑयल को उड़ देते हैं गरम। तो देखिए फ्रेंड, सरसों का ऑयल में अचार बहुत टेस्टी बनता है। तो आप सरसों के ऑयल में अचार बनाए और ऑयल को अच्छे से गरम, धुआं उठने तक गरम कीजिए, नहीं तो इसमें कच्चा टेस्ट आएगा। तो मसाला का मैंने बना लिया दरदरा पेस्ट, मानदस्ता में कूटा है मैंने, मिक्सी में बिल्कुल नहीं कूटा। देखिए दरदरा पेस्ट बना लिया अच्छे से। तो इसमें डाल देंगे अब लहसुन। गैस को मैंने बंद कर दी है और अब इसमें डालना है अदरक, जो हमने अदरक कद्दूकस करके रख रखी थी वो गरम ऑयल में डालना है लहसुन के साथ। अगर आपको तुरंत लहसुन का अचार खाना है तो आप 2-4 मिनट ज्यादा फ्राई करें ऑयल में। तो देखिए 2 मिनट चला लेते हैं गैस। मैंने गैस बंद कर दी है, ये लो फ्लेम पे चल रही है गैस। अब इसमें डाल देंगे कलूंजी। कलूंजी में हमने मसाला के साथ नहीं लिया, तो इसको अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें जाएगा नमक। नमक आप आपके हिसाब से डाल सकते हो, कम ज्यादा, और 1 चम्मच जाएगी हींग। तो इसको 2-3 मिनट पका लेते हैं लहसुन और अदरक को। तो देखिए लहसुन और अदरक का कलर चेंज हो गया। इसमें डालेंगे जो हमने मसाला पीस के रख रखा था,
अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी की 2 से ज्यादा इसलिए ले रही हूँ, चम्मच छोटी है। डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च और इसमें अब जाएगा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ थोड़ा कलर अच्छा आ जाएगा अचार में। इसको अच्छे से मिला दें मसाले को, अच्छे से मिला दें इसे। गैस मैंने लो फ्लेम पे कर रखा है, मैं 1-2 मिनट और पकाऊंगी लो फ्लेम पे, अचार में कलर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए गैस को कर देंगे बंद, तो अचार है रेडी। अब इसको करेंगे ठंडा, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है अचार में, आप देख सकते हो। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हो तो इसमें 2 चम्मच सिरका डाल दीजिएगा, इससे बिल्कुल भी अचार में वो नहीं आएगी, ख़राब नहीं होगा। इसको 1 साल तक आप आराम से रख सकते हो, 1-1.5 साल के लिए सिरका डाल के 2 चम्मच। मेरे को सिरका नहीं डालना क्यों, हमारे को ताज़ा ही अचार खाना है, इसलिए तो मैंने बताया उस हिसाब से अचार आप भी ज़रूर बनाएगा फ्रेंड्स, कि बहुत टेस्टी बनता है अचार। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो मेरे को एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।